नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सुहासिनी, सहायक प्रोफेसर, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, आप सभी का NIOS स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में संलग्न करना विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के उपरांत आप किन कार्यों में सक्षम हो सकेंगे, इस विषय पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। आप वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका से अवगत हो सकेंगे। एक शिक्षक के रूप में वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को संलग्न करने की योजना निर्माण कर सकेंगे। विज्ञान की प्रकृति के आधार पर विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शिक्षार्थी की भूमिका का निर्धारण कर सकेंगे। विज्ञान शिक्षक के रूप में कक्षा के अंदर एवं बाहरी परिवेश में शिक्षार्थी की संलग्नता बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे। यदि हम विज्ञान विषय की बात करें तो विज्ञान विषय में क्रियाशीलता के सिद्धांत का महत्वपूर्ण पक्ष होता है। एक शिक्षक के रूप में आपका यह दायित्व होता है कि विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप सदैव यह प्रयास करें कि इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी क्रियाशीलता के आधार पर संलग्न हों। एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका विद्यार्थियों को विज्ञान सीखने में सक्षम बनाने की है। उनके अंदर इस योग्यता का विकास करना है कि वह विज्ञान से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों की खोज करने में स्वयं सक्षम हो सकें। वैज्ञानिक अन्वेषण में शिक्षार्थी को संलग्न करके सीखने की क्रिया को एक रोमांचक, सक्रिय, सामाजिक एवं रुचिकर प्रक्रिया बनाया जा सकता है। यदि आप एक शिक्षक के रूप में विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी को संलग्न करते हैं तो वह विज्ञान विषय में रुचि लेता है। विज्ञान विषय में रुचि के उपरांत वह अपने परिवेश में घटित हो रही विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक घटनाओं को भी समझने का प्रयास करता है, जिससे विद्यार्थी व्यवहारिक विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान विषय के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थी को सक्रिय रूप से संलग्न होकर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। एक शिक्षक के रूप में आपका यह दायित्व है कि आप विज्ञान के प्रत्येक कार्य क्षेत्र को समझते हुए वहाँ किस प्रकार हर कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थी की अधिकतम भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके, इसका प्रयास करें। यदि हम प्रमुख रूप से देखें तो विज्ञान के तीन कार्य क्षेत्र होते हैं। पहला, जब हम विज्ञान को ज्ञान की इकाई के रूप में समझते हैं। दूसरा, जब हम विज्ञान को अन्वेषण की प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। और तीसरा, जब हम विज्ञान को चिंतन की शैली के रूप में देखते हैं। सबसे पहले, यदि हम विज्ञान को ज्ञान की इकाई के रूप में समझते हुए शिक्षार्थी को संलग्न करने का प्रयास करें तो इस क्षेत्र में यह आवश्यक है कि आप शिक्षार्थी को विज्ञान विषय से संबंधित प्रकरणों के आधार पर विभिन्न नियमों, सिद्धांतों की जानकारी दें। आप शिक्षार्थी को यह अवसर प्रदान करें कि वह विज्ञान से संबंधित नियमों, सिद्धांतों को जान सकें, उन्हें समझ सकें, उनके आधार पर विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग कर सकें, कक्षा में सिखाए जा रहे विभिन्न प्रकार के विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को कैसे वह अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें। एक शिक्षक के रूप में आपको उन शिक्षार्थियों को इस विषय में अवगत कराना चाहिए। यदि विज्ञान विषय के दैनिक जीवन में उपयोग से एक शिक्षार्थी परिचित होगा तो निश्चित रूप से वह विज्ञान विषय में अधिक संलग्नता के साथ कार्य करेगा। आप शिक्षार्थी को यह अवसर दें कि वह विभिन्न प्रकार के नियमों एवं सिद्धांतों पर कार्य करते हुए विश्लेषण की योग्यता का विकास करें, किसी परिस्थिति का मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकें।
एवं किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित नए नियमों एवं सिद्धांतों का सृजन करने में भी सक्षम हो सके। इस प्रकार जब हम विज्ञान को एक ज्ञान की इकाई के रूप में अपनी कक्षा में संचालित करते हैं, तो एक शिक्षक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम विद्यार्थी की अधिकतम संलग्नता को सुनिश्चित करें, क्योंकि विज्ञान करके सीखने पर आधारित एक विषय है, न कि केवल रट लेने की पद्धति पर आधारित एक विषय। विज्ञान के दूसरे कार्य क्षेत्र के रूप में यदि हम उसे अन्वेषण की प्रक्रिया में देखते हैं, तो यहाँ पर शिक्षार्थी की संलग्नता निश्चित रूप से बहुत अधिक बढ़ जाती है। किंतु एक कुशल एवं योग्य शिक्षक के रूप में आपका यह दायित्व है कि विज्ञान के अधिगम को आप अन्वेषण की प्रक्रिया से ही आगे बढ़ाएं। यदि अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा एक शिक्षार्थी को विज्ञान के शिक्षण एवं अधिगम का अवसर प्रदान किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के प्रकरणों को वह अधिक रुचि से सीखता है, क्योंकि उसे यह अनुभव होता है कि किसी विशेष नियम या प्रत्यय को उसने स्वयं अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा खोजा है, और यह ज्ञान उसने मात्र पाठ्यपुस्तक से रटकर नहीं प्राप्त किया, अपितु इस ज्ञान को उसने अपने द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया को संचालित करते हुए उत्पन्न किया है। उसने यह भी देखा है कि हमारी पाठ्यपुस्तक में जो ज्ञान लिखा है वह सत्य है या नहीं, क्या यह ज्ञान हमारे परिवेश की सभी परिस्थितियों में सत्य है या किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इसमें कुछ परिवर्तन भी संभव है। अन्वेषण की प्रक्रिया में वह सदैव संलग्न होगा। उसके अंदर आपको एक शिक्षक के रूप में विभिन्न कौशलों का विकास करना है, जैसे एक शिक्षार्थी सदैव अवलोकन की प्रक्रिया करें। अवलोकन की प्रक्रिया से वह अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से परिचित हो। जिज्ञासा की प्रकृति के आधार पर वह विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सके। प्रश्न पूछते हुए उन प्रश्नों के संभावित समाधान भी आप उनके अनुभवों या उपस्थित तथ्यों के आधार पर पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों को उचित रूप से समाधान देते हुए विभिन्न प्रकार के प्रायोगिक प्रारूपों का निर्माण किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रयोगों का आयोजन एक शिक्षक के रूप में आप कर सकते हैं, और उन प्रयोगों में आप शिक्षार्थी को संलग्न कर सकते हैं। इस प्रकार जब प्रयोगों का आयोजन किया जाता है, तो शिक्षार्थी रुचिपूर्ण ढंग से कार्य करते हुए नए नियम एवं सिद्धांतों की खोज के लिए अग्रसर होते हैं। प्रयोगों को करते हुए आप शिक्षार्थियों को प्रयोगों के प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करने के लिए भी कह सकते हैं, जिससे प्रयोग की संपूर्ण प्रक्रिया की अवधि में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से प्रेक्षण लेते रहते हैं। उन प्रेक्षणों को विश्लेषण करने की योग्यता भी शिक्षार्थी के अंदर विकसित की जानी चाहिए। यदि वह प्रेक्षणों के आधार पर उचित प्रदत्तों का विश्लेषण करेंगे, तो वह नियमों एवं निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं, एवं किसी विशेष समस्या जिसकी की परिकल्पना उन्होंने निर्मित की थी, उस परिकल्पना के अंतिम चरण में पहुंचकर वह उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि अन्वेषण की प्रक्रिया में यदि हम विज्ञान के कार्यक्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर शिक्षार्थी सर्वाधिक रूप से सक्रिय होकर कार्य करता है, और इस प्रकार जब वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो शिक्षार्थी अपने कार्यों में तत्परता से कार्य करते हुए विज्ञान के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, और इससे विज्ञान के क्रियाशीलता के सिद्धांत की पुष्टि होती है। विज्ञान के तीसरे प्रमुख कार्यक्षेत्र के रूप में हम चिंतन की शैली को देखते हैं। चिंतन की शैली के रूप में जब हम विज्ञान को देखते हैं, तो यहाँ एक शिक्षार्थी प्रत्यक्ष रूप से संलग्न न होकर अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर विज्ञान की प्रक्रिया में संलग्न रहता है। आप एक शिक्षक के रूप में शिक्षार्थी के अंदर
इस योग्यता का विकास करते हैं कि वह सृजनात्मक चिंतन कर सकें, वह किसी भी समस्या पर परावर्तित चिंतन कर सकें। जब एक शिक्षार्थी चिंतन की प्रक्रिया में संलग्न हो जाता है तो वह कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहरी परिवेश में या किसी विशेष अन्य कार्य को करते समय भी लगातार वैज्ञानिक प्रक्रिया में संलग्न होता है और यह संलग्नता उसके व्यवहार में परिलक्षित होती है। यदि हम विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की बात करें तो यह उद्देश्य तीन क्षेत्रों में प्रमुखता से देखे जाते हैं। पहला उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षेत्र का होता है, दूसरा उद्देश्य भावात्मक क्षेत्र का होता है एवं तीसरा उद्देश्य क्रियात्मक क्षेत्र का होता है, जिसके अंतर्गत हमें विज्ञान सीख रहे शिक्षार्थी के अंदर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक कौशलों का विकास करना होता है। तो यदि हम इन तीनों क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वैज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा अग्रसर कराते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षार्थी सदैव विज्ञान की प्रक्रिया में संलग्न होता है और वह ज्ञान की इकाई के रूप में, अन्वेषण की प्रक्रिया के रूप में या चिंतन की शैली के रूप में विज्ञान विषय से निरंतर संबंध रखते हुए अपने ज्ञान को प्राप्त करता है। वर्तमान समय में हमारी शिक्षा प्रणाली में विज्ञान विषय को दोषपूर्ण ढंग से पढ़ाया जा रहा है। हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शिक्षक लगातार इस प्रयास को कर रहा है कि वह विज्ञान के नियम एवं प्रत्ययों को किस प्रकार एक शिक्षार्थी के मस्तिष्क में समावेशित कर दे। वह इस विषय से संबंध नहीं रखना चाहता कि किस प्रकार शिक्षार्थी को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में हम संलग्न कर सकते हैं। यदि शिक्षार्थी को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में संलग्न किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वह विज्ञान विषय में रुचि लेते हुए आगे बढ़ेगा और एक शिक्षक के रूप में हमारा यह दायित्व है कि विज्ञान विषय को हम क्रियाशीलता के आधार पर पढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि यदि हम विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उसमें यह लिखा रहता है कि विज्ञान आओ करके सीखें, किंतु इस विषय में यह बहुत चिंता की बात है कि विज्ञान को करके सीखने का पूर्ण रूप से हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभाव है। हम एक शिक्षक के रूप में मात्र अपनी कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में उपस्थित नियमों एवं प्रत्ययों को शिक्षार्थी को बता देते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि शिक्षार्थी इन नियमों एवं प्रत्ययों को सीखकर कक्षा में इसी प्रकार इनको जब पूछा जाए तो बता दे। किंतु एक शिक्षक के रूप में हमें शिक्षार्थी को यह अवसर देना चाहिए कि वह नियमों एवं प्रत्ययों की सत्यता की भी परख कर सकें और निश्चित रूप से जब हम वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया के द्वारा विज्ञान का शिक्षण अधिगम करते हैं तो हम शिक्षार्थी को यह अवसर प्रदान करते हैं कि वह विज्ञान विषय में संलग्नता से कार्य करते हुए नियमों एवं सिद्धांतों के विषय में सीखे तथा स्वयं कार्य करते हुए अग्रसर हो, ना कि केवल आपकी पाठ्य पुस्तकों में उपस्थित सूचनाओं का संग्रह करे। यदि हम एक शिक्षार्थी की संलग्नता के विषय में चर्चा करें तो एक शिक्षार्थी विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार से संलग्न हो सकता है। बिंदुवार यदि हम इसका अध्ययन करें तो सर्वप्रथम ज्ञान एवं स्मरण की प्रक्रिया में वह संलग्न हो सकता है, अवबोध की प्रक्रिया में वह संलग्न हो सकता है। विज्ञान के अधिगम में जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसे किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में अनुप्रयोग किया जा सकता है, इस रूप में भी उसकी संलग्नता सुनिश्चित की जा सकती है। विभिन्न विषयों का विश्लेषण, मूल्यांकन एवं नए नियमों का सृजन भी विद्यार्थी की संलग्नता को बढ़ा सकता है। यदि हम इस विषय में चर्चा करें तो यदि विज्ञान की कक्षा में आप देखें
तो नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करते समय शिक्षार्थी को यह देखना चाहिए कि वह पूर्ण संलग्नता के साथ उस विषय से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करे। उस संबंधित ज्ञान के आधार पर वह अपने परिवेश में उपस्थित विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में अवबोध प्राप्त कर सकता है। विभिन्न घटनाओं को वर्गीकृत कर सकता है, विभिन्न प्रकार के तथ्यों को किसी विशेष श्रेणी में वर्गीकृत कर सकता है। और यदि एक कक्षा में एक शिक्षार्थी संलग्नता के साथ वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया से कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो वह उस प्राप्त ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सकता है। और एक शिक्षक के रूप में हमारा यह दायित्व होता है कि यदि हम विज्ञान विषय का शिक्षण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों का उस शिक्षार्थी के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, वह किस प्रकार कक्षा में प्राप्त ज्ञान को अपने परिवेश में उपयोग कर सकता है, इस विषय से शिक्षार्थी को अवश्य अवगत कराएं। और जब भी कभी विज्ञान के किसी प्रकरण का अध्ययन अध्यापन हम अपनी कक्षा में करें तो उसके बाद शिक्षार्थी को कुछ ऐसी क्रियाएं करने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे उस विशेष शिक्षण अधिगम को वह अपने दैनिक जीवन में अनुप्रयोग में ला सके। जैसे यदि हम अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को विलेय एवं अविलेय पदार्थ के बारे में बताते हैं तो हम एक क्रियाकलाप के रूप में शिक्षार्थियों से यह कार्य करने को कह सकते हैं कि वह अपने परिवेश में उपस्थित विभिन्न पदार्थों को जल में घोलकर देखें कि कौन से पदार्थ विलेय पदार्थ हैं और कौन से पदार्थ अविलेय पदार्थ हैं, एवं अपने प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर एक सूची का निर्माण करें कि वह कौन कौन से पदार्थ हैं आपके परिवेश में उपस्थित हैं जो विलेय हैं अर्थात जल में घोले जाने पर घुल जाते हैं, तथा वह कौन से पदार्थ हैं जो जल में घोले जाने पर नहीं घुलते अर्थात वह अविलेय पदार्थ हैं। इस प्रकार आप विज्ञान की कक्षा में दिए गए ज्ञान को शिक्षार्थियों द्वारा अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। आप शिक्षार्थियों को विश्लेषण क्षमता के बारे में भी बताएं। यदि एक शिक्षार्थी विज्ञान विषय को पढ़ता है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के घटनाओं के विश्लेषण की भी योग्यता होनी चाहिए। वह किसी घटना के कार्य एवं कारण के संबंधों के विषय में जान सके। किसी विशेष समस्या का मूल्यांकन करने की योग्यता भी एक विज्ञान के अधिगमकर्ता के अंदर होनी चाहिए एवं किसी भी समस्या के मूल्यांकन को करते हुए वह नए ज्ञान का सृजन करने की भी योग्यता रखे। इस प्रकार हम विभिन्न बिंदुओं में एक शिक्षार्थी को वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में संलग्न कर सकते हैं और विज्ञान के शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण में शिक्षार्थी की संलग्नता के क्या लाभ होते हैं? यदि एक शिक्षार्थी को आप विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक के रूप में संलग्न करके क्रियाशीलता के आधार पर पढ़ाते हैं तो हम उस शिक्षार्थी के अंदर कौन कौन सी योग्यताओं का विकास कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो हम उस शिक्षार्थी में परावर्तित चिंतन कौशल का विकास कर सकते हैं। परावर्तित चिंतन कौशल के द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी किसी भी समस्या के बारे में सजग हो सकता है तथा वह उस विशेष समस्या के बारे में संभावित समाधान जिनको कि हम परिकल्पना कहते हैं का निर्माण कर सकता है। जब एक शिक्षार्थी संलग्नता के साथ कार्य करता है तो वह समूह में विभिन्न सदस्यों के साथ कार्य करता है। इससे उस शिक्षार्थी में संवाद कौशल का भी विकास हो जाता है। वह अपने अनुभवों को उचित रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है।
अतः हम यह देखते हैं कि वैज्ञानिक अन्वेषण में जब एक शिक्षार्थी संलग्न होता है तो वह समूह में कार्य करते हुए संवाद कौशल में भी निपुण हो जाता है। इसके साथ साथ उस शिक्षार्थी में अंतरवैयक्तिक कौशल का भी विकास होता है। उसे यह पता चलता है कि किसी समूह में कार्य करने हेतु किन किन कौशलों का होना आवश्यक है। जब एक शिक्षार्थी समूह में कार्य करता है तो उसके अंदर सामाजिक कौशल का विकास हो जाता है। वह एक किसी भी दूसरे शिक्षार्थी के साथ सहयोग की भावना के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ता है। यदि हम शिक्षार्थी की संलग्नता सुनिश्चित करते हैं तो वह गहनता के साथ विषय अवबोध कर सकता है। यदि आप विज्ञान के ज्ञान को केवल पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पढ़ा दें एवं मात्र परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर दे करके उस विषय का ज्ञान प्राप्त कराना चाहें तो कहीं ना कहीं शिक्षार्थी उस विषय से गहनता से नहीं जुड़ पाता। किंतु जब आप शिक्षार्थी को करके सीखने का अवसर उपलब्ध कराते हैं तो वह उस विषय के साथ गहनता से संलग्न होता है और इसके कारण शिक्षार्थी में सृजनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। साथ ही साथ वह संबंधित विषय में रुचि लेता है एवं अधिगम हेतु उसे उचित अभिप्रेरणा प्राप्त हो जाती है। यदि एक शिक्षार्थी वैज्ञानिक अन्वेषण प्रक्रिया में संलग्नता के साथ कार्य करते हुए विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों को सीखे तो उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। शिक्षार्थी के अंदर वैज्ञानिक अभिवृत्ति का भी विकास किया जा सकता है। शिक्षार्थी स्वयं करके सीखता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि देखी जाती है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के अनुरूप विश्लेषण क्षमता का भी विकास हो जाता है और वह कार्य करते हुए अध्ययन में संलग्न रहता है। क्योंकि वैज्ञानिक अन्वेषण में संलग्नता के साथ कार्य करते हुए वह विभिन्न समूहों में कार्य कर रहा है, अतः उसके अंदर सहयोग की भावना का भी विकास किया जा सकता है। क्योंकि शिक्षार्थी किसी भी समस्या का समाधान स्वयं प्राप्त कर रहा है, अतः उसके अंदर अन्वेषण प्रकृति एवं समस्या समाधान क्षमता भी विकसित हो जाती है। समूह में कार्य करने के कारण एक शिक्षार्थी के अंदर सामाजिक विकास भी होता है। क्योंकि विज्ञान विषय में वह सक्रिय एवं क्रियाशील भूमिका निभा रहा है, अतः शिक्षण अधिगम सक्रिय एवं क्रियाशीलता आधारित शिक्षण अधिगम होता है, जिससे एक शिक्षार्थी इस विषय में अधिक रुचि लेकर स्थायी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में जब हम एक शिक्षार्थी को संलग्न करके कार्य करने का अवसर देते हैं तो वह नियमों एवं सिद्धांतों को स्वयं खोजता है, जिससे उसके अंदर आत्मविश्वास का विकास होता है, उसकी विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि होती है तथा वह स्थायी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।